अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस अवेरी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारा वीडियो का टॉपिक ये है कि आप अपने शेड को कैसे कवर कर सकते हैं, परिंदों को गर्मी से कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शेड के अंदर खासकर परिंदे हाँप रहे होते हैं, उसका आपका क्या ऐसा सोल्यूशन है जो आप आजमा सकते हैं, आपके बर्ड्स हाँपे नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे पास एक एयर कूलर है और यहाँ से मैंने फ्रंट भी इसका कवर किया हुआ है। तो दोस्तों, क्या है कि जब डायरेक्ट सनलाइट अंदर आ रही होती है, अंदर हब्स हो जाती है, आपको वेंटिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या। सुबह के टाइम यहाँ से डायरेक्ट इधर सनलाइट आ रही होती है, जिसकी वजह से बर्ड्स को अंदर बहुत गर्मी मिल रही होती है, तो इसकी वजह से मैंने इसको कवर कर दिया है, ठीक हो गया। दूसरी तरफ जहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से भी मैंने चटाई दी हुई है, यहाँ से मैंने कवर किया हुआ है ताकि यहाँ से भी धूप अंदर नहीं जाए। सुबह ये मैं जो सारा सेटअप करता हूँ, मैं ये 11 बजे के बाद करता हूँ, क्योंकि इनके लिए धूप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 10 बजे तक धूप सही होती है, उसके बाद बहुत गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ऐसे कवर कर देना है, जैसे कि मेरे पास इस तरफ से, उस तरफ से, मेन गेट से और पल्ली तरफ से वेंटिलेशन हुई हुई है। तो मैं शाम के टाइम जो है 7-8 बजे के बाद इसको ऊपर कर देता हूँ और एयर कूलर बंद कर देता हूँ। तो आपको ऐसे कवर कर देना है, ठीक है। इसे आपको चटाई लेनी होगी, ये देख सकते हैं आप, पैराशूट का कपड़ा है ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और ये बहुत, ये पीछे से आप देख सकते हैं कवर होता है ये। आपको एक अदद ये जो है एयर कूलर लेना पड़ेगा, मेरे पास ये भी था ये, मगर ख़राब हो गया, फिर से मैंने न्यू लिया है ये। तो यहाँ से क्या है, अगर आपका शेड मेरी तरह बना हुआ है, रूफ़ पे बना हुआ है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि खासकर क्या होता है इसमें जब पानी कम हो जाता है और आप फॉर एग्ज़ाम्पल भूल गए पानी डालना, तो होता क्या है कि अल्लाह ना करे किसी के पास ऐसा हो, मगर एक दो दोस्त थे मेरे जिनके पास ऐसे हुआ था और दूसरे जो है ग्रुप में भी आए थे हमारे पास पिक्चर्स वगैरह, कि एयर कूलर जल गया था जिसकी वजह से अंदर बर्ड्स भी एक्सपायर हो गए थे। तो दोस्तों, कोशिश करें कि इसको बाहर की तरफ से रखें। आप जैसे कि आपने देखा होगा ये मैंने बाहर की तरफ रखा हुआ है, ईंटें दी हुई ताकि ये कपड़ा हिले नहीं हवा की वजह से, और यहाँ से ये जो है जाली यहाँ से बाहर से पूरी अंदर हवा जा रही होती है, ठीक हो गया। आपको ऐसा एयर कूलर लेना होगा, 7-8 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। दूसरी तरफ भी देखो, अब मैंने आपको दिखाऊँ कि ये भी मैंने सारा कवर किया हुआ है। अब अंदर मेरा जो ह्यूमिडिटी मीटर लगा हुआ है उसमें मेरे पास टेम्परेचर क्या आता है दोस्तों, अगर मैं एयर कूलर नहीं चलाऊँ तो 38-40 तक चला जाता है, अगर जब एयर कूलर चलाता हूँ तो 32-30 तक चला जाता है, फिर जो है जैसे जैसे जो है गर्मी कम हो जाती है, शाम होती रहती है, तो उसमें जो है टेम्परेचर और जो है मेरा कम होता जाता है, जिसमें से 28-27 हो जाता है रात के टाइम। मगर जब एयर कूलर चलाता हूँ तो जो है मेंटेन हो जाता है, ह्यूमिडिटी तो उसी टाइम हो जाती है, मगर टेम्परेचर स्लोली डाउन होता रहता है। तो मैं अगर कोशिश करता हूँ मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, क्योंकि अभी मेरे बर्ड्स को मैं डिस्टर्ब नहीं करवाना चाह रहा, तो यहाँ से अगर मैं दिखा सका तो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ह्यूमिडिटी मीटर सामने ही रखा हुआ है। दोस्तों, ये यहाँ पे अभी सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मगर वो सामने ही मेरा ह्यूमिडिटी मीटर लगा हुआ है, जिसमें यहाँ से मैं खुद देख सकता हूँ कि 33.6 जो है टेम्परेचर आ रहा है, ठीक हो गया। दोस्तों, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ अभी मेरे बर्ड्स बिल्कुल भी हाँप नहीं रहे, ठीक हो गया। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इधर से टेम्परेचर देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और दरवाज़ा वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं मेन गेट पे एयर कूलर लगा देता हूँ, फिर आगे पीछे करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से मैं फिर यहाँ से चेक कर देता हूँ। तो 33.6 मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि और ये जो है कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो कि आप अपने शेड को कैसे कवर कर सकते हैं, जितना हो सके बर्ड्स को जो है गर्मी से बचाएं। यहाँ पे भी जितने मेरे सारे बर्ड्स थे, वायलेट्स वगैरह, वो सारे मैंने अंदर कर दिए, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो रही थी। और जो है जितना हो सके बर्ड्स को जो है अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए, ताकि बर्ड्स आपको जो है अच्छे सीज़न में जो है अपने सीज़न में अच्छे बर्ड्स जो है चिक्स वगैरह और अच्छी डाइट दीजिए। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।